नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता जियाउर रहमान खान की खबर किशनगंज से। किशनगंज नगर परिषद सभा कक्ष में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। जी हां, बैठक में मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद गण मौजूद रहे, जिसमें किशनगंज जिले के विभिन्न मुद्दे समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बताते चले कि इसमें सबके लिए आवास योजना, ग्राम सुधार कमेटी की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास के निर्माण, कुष्ठ कॉलोनी के नाम बदलने, बड़े नालों की डीपीआर की स्वीकृति, ड्राइवर के मानदेय बढ़ोतरी, वर्षा के पूर्व किए जाने वाले कार्य, होल्डिंग विज्ञापन बंदोबस्ती और भी कई नए प्रस्ताव पर विचार की गई। पहला मुद्दा था सबके लिए आवास योजना में 934 लोगों का हम लोग लिस्ट भेजना था, जो कि पहले से सैंक्शन है। उस पर बोर्ड की सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं कि किस वार्ड में कितना दिया जाएगा, पहला ये था। और दूसरा था उसमें ये कुछ ग्राम सुधार समिति की जमीन पे कुछ लोग दशकों से रह रहे हैं, उन लोगों के आवास देने के संबंध में विचार था। उस पर भी सभी लोगों ने सर्वसम्मति से विचार किया और निर्णय लिया है कि उन लोगों को एक एग्रीमेंट करवा करके आवास का लाभ दिया जाए। और तीसरा था कि जो ड्राइवर है हमारे, उनके मानदेय पर वृद्धि, तो उस पर यह निर्णय लिया है कि श्रम विभाग का जो न्यूनतम वेतन है, जो मानदेय है, उससे कम नहीं दिया जाना, जिनका भी उस हिसाब से बढ़ेगा बढ़ा दिया जाना, ठीक है। और एक चौथा था कि कुष्ठ कॉलोनी में कुष्ठ कॉलोनी का नाम बदलना है, क्योंकि ये बिहार सरकार का एक पत्र आया था जिसमें कुष्ठ कॉलोनी का नाम बदलने के संबंध में निर्देश दिया गया था। इसमें बोर्ड से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कुष्ठ कॉलोनी का नाम अम्बेडकर कॉलोनी रखा जाए। और एक है वर्षा के पूर्व की तैयारी, तो हम लोग सभी बोर्ड के माननीय सदस्यों ने निर्णय लिया है कि 15 मार्च से नाला सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए, ताकि बरसात आने से तक हमारा सारा नाला साफ हो जाए और वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हो। और सातवां था कि जितने भी शहर में विज्ञापन लगाए जाते हैं उसके लिए टेंडर निकाला जाए, कि एक को एजेंसी उसको दे दिया जाए, अपना वसूल करेगी और इससे नगर परिषद को लगातार राजस्व प्राप्ति होती रहेगी। आठवां है कि राजस्व के नए क्षेत्र की पहचान, नगर परिषद के राजस्व को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनमें कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या अहम बातें पर चर्चा हुई आपकी आज की बैठक में? छठ घाट को लेकर के, छठ घाट में जो आते हैं सब अपना सफाई कर्मी सब का, जो छठ घाट है उसमें जो छठ का जो होता है उसी का रास्ता है, सब के मैटर पर बात हुआ है। और लाइट ये सब का भी अच्छा बात हुआ, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुआ है, लाइट का हो गया, सफाई का हो गया, सुअर इन सब के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बात हुआ। शहर के मुख्य सड़क के बारे में भी बात हुआ है, नाला सब के बारे में बात हुआ है। आप लोगों का नगर में जो भी आपके वार्ड में इसमें कमी बेसी है उसको ई करने के लिए आज की मतलब क्या निर्णय लिया गया कि कार्य होगा या अभी टाइम लगेगा? नहीं होगा, टाइम लगेगा मगर सब चीज़ हो जाएगा। क्या नाम हुआ? फरहीन मानू, वार्ड नंबर 15।